जिसको विपश्यना भी कहा जाता है। विपश्यना अच्छी तरह से देखना। विपश्यना का एक अलग अर्थ होता है, अच्छी तरह से देखना। और क्या देखना? जो कुछ हो रहा है उसको देखना, अपने तरफ से आरोपित नहीं करना है। हमारे शरीर में संवेदना हो रही है प्रतिक्षण, ऐसा कोई अंश नहीं है जहां संवेदना ना होती हो। पूरे शरीर में संवेदना हो रही है। जैसे आप मनोदृष्टा हो रहे हैं, मन में क्षण क्षण विचार उठते हैं, विचार प्रवाह बनते हैं, ठीक ऐसे ही शरीर में भी संवेदना उठ रही है। और इसका कारण है कि शरीर में जो टिश्यूए हैं, कोशिकाएं हैं, क्षण क्षण बदल रही हैं। प्रति क्षण कुछ नष्ट हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं। हर क्षण करोड़ों कोशिकाएं बन और बिगड़ रही हैं। शायद एक घंटे में 24 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं और इतने बनती हैं। दस वर्ष तक आदमी एक जगह बैठा रहे तो कोशिकाओं की ढेर लग जाएंगी, अरबों खरबों कोशिकाएं, शायद 4 किलो के आसपास कोशिकाएं झड़ जाती हैं। तो शरीर में जो संवेदना हो रही है इन्हीं के बदौलत। क्षण क्षण एकदम प्रवाह पूर्ण स्थिति में, जैसे कि विद्युत की धारा चलती है ना, पानी की धारा अनवरत चलती है, ऐसे ही प्रवाह पूर्ण स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, संवेदना हो रही है। अगर आप पकड़ सकें, आप समझ सकें, तो एक एक पॉइंट पर संवेदना हो रही है। हम संवेदना को कब पकड़ते हैं? जब कहीं दर्द हो रहा है, जब कहीं खुजली हो रही है, जब कहीं मिचलन सी हो रही है, जब कहीं खिंचाव सा हो रहा है, तब उस संवेदना को हम पकड़ते हैं। सामान्य परिस्थिति में संवेदना को पकड़ना कठिन होता है। अभी तो मैं और डीपली नहीं ले गया, नहीं तो आप महसूस करते हैं, जैसे कि आप पेट नाभि है, नाभि के अंदर आप प्रवेश करिए, महसूस करिए क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं। दिल में धड़कन हो रही है, आप महसूस करें, देखें। आप जैसे डॉक्टर आला लगा करके धड़कन को नापता है, आप बिना कुछ किए ऐसे ही आप महसूस कर सकते हैं, गिन सकते हैं धड़कनें कितनी हो रही हैं। जितना मन सूक्ष्म होता जाएगा ना, उतना पकड़ते जाएंगे। इसका एक मेथड और है कि आपके मस्तिष्क में जो संवेदना उठ रही है, जो कुछ उठ रहा है, दाहिने भाग पर, बाएं भाग पर अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक और मैं प्रयोग कराया तो जैसे कि त्रिपुटी, जहां पे माताएं बिंदी लगाती हैं, जानते हैं बिंदी क्यों लगाती हैं? पुरुष लोग वहां पे तिलक लगाते हैं, जो ये हमारे बीच का है, दोनों आंखों के बीच की भौं के बीच की जगह, ये ऊर्जा केंद्र है, शक्ति केंद्र है। ठीक इसके पीछे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है।
ये अपने शरीर को कंट्रोल करती है, भावनाओं को नियंत्रित करती है। बहुत कुछ हार्मोन्स जो शरीर में हार्मोन्स बनते हैं उसके लिए जिम्मेदार पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसीलिए ध्यान के माध्यम से जो आदमी सचमुच में सही रूप से ध्यान करने लगेगा तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कंट्रोल होने लगते हैं। मानसिक तनाव, चाहे किसी भी बात को लेकर के वो तनावग्रस्त है, शारीरिक रूप से बाहर की परेशानी की वजह से, रोग व्याधि की वजह से, अगर वो सही रूप से ध्यान करने लगे तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल होने लगेगा। तनाव धीरे 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 शांत होने लगेगा। कई ऐसी घटनाओं को मैं जानता हूँ जो बिना दवाई के ध्यान में बैठे और बिल्कुल रिलैक्स होने लगे, जो वर्षों से जिस रोग से ग्रस्त थे वो केवल ध्यान के माध्यम से ठीक होने लगा। आपको लगेगा ये क्या बात है, चमत्कार जैसा है, क्योंकि कई चीजें मैंने पहले दिन कहा था, बहुत सारी बीमारियां केवल हमारे मानसिक सोच की वजह से, मन में नकारात्मक भावनाओं के उदय होने की वजह से उठते हैं, बनते हैं। जैसे कि हम किसी की निंदा करते हैं, सहज सी बात है, पता नहीं चलता है हम किसी की निंदा कर रहे हैं किसी की बात, अरे यार वो ऐसा है, वो लड़की वैसी है, लड़का वैसा है, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, ये जो चर्चा आपस में करते हैं ना, बिल्कुल कॉमन लगता है, कॉमन सामान्य लगता है, लेकिन इतने मात्र से हमारे अंदर जो नेगेटिव जो विचार बनते हैं और हमारे जो शरीर का हार्मोन्स बदलता है उस चीज को हम नहीं समझ पाते। इतना करना आपके लिए रोग का कारण बन सकता है। एक पुस्तक मैं बहुत पहले पढ़ा था, यू कैन हील योर लाइफ, उसका लेखिका कौन है भाई, एक अमेरिकन लेखिका है, आप ये नाम से पुस्तक ये कर सकते हैं, हिंदी में मिल जाएगी, बहुत अच्छी पुस्तक है और पढ़ने जैसा है, सबको पढ़ना चाहिए। कैसे हम नेगेटिव विचार की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारे जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं, उसका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। कुछ आश्रम संबंधी बात भी है, साहब बताएंगे, मैं उन महिला का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। उनका अगर YouTube में सुनना चाहे ना तो फिर YouTube में भी आप सुन सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ, उस पर ये करेंगे तो उसका होगा हिंदी, मतलब उसका एडिशन आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्होंने कहा जब वो छोटी थी तो उनकी माँ को, माँ उनके पिता को छोड़ करके दूसरी शादी की, अब अमेरिका आदि में पश्चिमी देशों में तो सहज है, तो उनकी माँ ने दूसरी शादी की, माँ के साथ में उनको जाना हुआ, माँ के साथ कुछ दिन रही वहाँ, कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर बाद में वो बच्ची ही थी, शायद 8-10 साल की रही होगी, उनका फिर शारीरिक शोषण शुरू हो गया।
बहुत प्रकार की यातनाएं वो झेलना शुरू की, उनका दैहिक शोषण शुरू हुआ। उसके बाद में वो कुछ सबल हुई, कुछ ठीक हुई, बाद में और ऐसी परिस्थिति आई, मतलब बहुत तरह से उनको मतलब जो यातनाएं सहनी पड़ी, कुछ बड़ी हुई, किसी से प्रेम कर बैठी, पर वहां भी वो सफल नहीं हुई। जीवन में बहुत सारे नकारात्मक घटनाएं भी घटती रही हैं, उसके वजह से वो तो घटनाएं घटी चली गई, और करीब 40 के आसपास की हुई, और ऐसे गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त हो गई जो लाइलाज बीमारी कहते हैं। डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है और कोई दूसरा इलाज नहीं है। उस समय शायद 2 लाख के आसपास डॉलर उनको कहा गया, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जो उनको मतलब वो कर सके इतना नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास पैसे हैं नहीं तो मैं करूं क्या। फिर वो डॉक्टर के पास में जाना छोड़ दी और कहीं से पूछे उसे क्षमा के संबंध में कुछ पुस्तक मिली, कुछ मोटिवेशनल पुस्तक मिली, उसको पढ़ने लगी। और वो कहती है, आप सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि फिर मैं दिल से सबको क्षमा करने लगी, जो कुछ भी मेरे साथ जाने अनजाने किसी ने कुछ भी किया हो क्षमा करती हूं। धीरे 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 वो साधना के क्रम अपना ली, साधना बना ली उसने, कोई भी हो क्षमा का भाव सबके प्रति। फिर वो कहती है कि धीरे 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 आश्चर्यजनक रूप से वो रोग ठीक होने लगा। और आज से लगभग मैं 10 साल पहले उसका रिकॉर्डिंग जो इंग्लिश में बोली है उसका हिंदी ट्रांसलेशन में मैं सुना था। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जीवन का बेस्ट समय व्यतीत कर रही हूँ, 90 के दशक, 80 के बाद की उसकी उम्र है, 90 के दशक में चल रही है। और वो कहती है कि मैं अपने जीवन का बेस्ट समय व्यतीत कर रही हूँ। वो मोटिवेशनल स्पीकर है, यहाँ वहाँ जा करके अपना स्पीच देती है, लोगों को मोटिवेट करती है। देख कर कितना अच्छा लगा, एक उच्च कोटि की साधिका। एकदम साधनामय जीवन समझो। तो हम जो कुछ भी हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, नेगेटिव विचार रहते हैं, चाहे किसी भी तरफ से आ रहे हों, वो हमारे नुकसान देता है, वो पता नहीं चलता। निंदा चुगली करते हैं उससे हम नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, पता नहीं चलता। कहीं किसी सोर्स से हम कहीं तकलीफ में आ रहे हैं, पता नहीं चलेगा फिर वो किस वजह से हो रहा है। कई लोगों को ये कहते सुना गया है, हम अच्छा करते हैं जी, साधनात्मक जीवन है, त्याग वैराग से रहते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, फिर भी ऐसा कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार प्रभाव डालते हैं। इसके बहुत सारे आयाम हैं, ख्याल होगा तो नेक्स्ट टाइम कहेंगे।